आईपीएल 2024 में बहुत बड़ा खेल होने वाला है, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड बदलाव होने वाले हैं। देखिए 2025 आईपीएल से पहले मेगा ऑक्शन होगा, यानी कि आपको 4 खिलाड़ी ये मैक्सिमम रिटेन करने वाली जो पॉलिसी है वही देखने को मिलेगी, और इसमें से भी राइट टू मैच एक इन्वॉल्व है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कई टीमों के कप्तान अब इधर उधर जा सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा नाम केएल राहुल का है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल की संभावना जताई जा रही है कि वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में जाएंगे, और ना सिर्फ जाएंगे बल्कि टीम की कमान भी संभालेंगे, यानी राहुल की पुरानी टीम में अब उनकी वापसी होती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा 2016 तक राहुल आरसीबी में ही खेला करते थे, और उसके बाद उन्होंने आरसीबी को छोड़कर पंजाब किंग्स के लिए खेला, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करी। तो अब केएल राहुल, विराट कोहली दोनों आपको एक साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में नजर आएंगे। वैसे भी लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक के साथ आप सभी को वो याद होगा कि किस तरह से बहस हो गई थी, मैदान पर उतर आए थे लखनऊ के मालिक और ज्यादा तू तू मैं मैं पर उतर आए थे, बहुत कुछ बोलने भी लगे थे, और वो एक्शंस काफी डेरोगेटरी लग रहे थे जिस तरह से वो बात कर रहे थे, क्योंकि एक नेशनल लेवल के कप्तान है केएल राहुल, उनसे इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। तो इसके बाद ये लाजमी सी बात थी कि अब राहुल छोड़ देंगे, और अमित मिश्रा ने जो अभी हाल ही में इंटरव्यू दिया उससे पुख्ता भी हो गया। मिश्रा ने कहा कि अब लखनऊ सुपर जायंट्स एक नया और अच्छा कप्तान तलाश रही, यानी कि अब राहुल जो है ओपन टू गो एनीवेयर है, तो अब वो इसीलिए राहुल आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। फाफ डू प्लेसिस माइट भी चांस है कि उनको अब रिलीज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ा एक और बदलाव है, वो ये है कि ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स छोड़ने वाली है। अब पंत दिल्ली को लीड नहीं करेंगे, पंत जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स में, और इस बात की पुष्टि तो अभी एक्चुअली में नहीं हो पा रही है, पर यह खबर जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आने लगी है कि अब ऋषभ पंत सीएसके में जाएंगे, केएल राहुल आरसीबी में जाएंगे, एंड रोहित शर्मा माइट बी गोइंग दिल्ली। तो दिल्ली कप्तानी जो है वो रोहित कर सकते हैं, सीएसके में ऋतुराज कप्तानी करेंगे, पर पंत वहां जा सकते हैं, और केएल राहुल आरसीबी में जा सकते हैं। ये कुछ बड़े बदलाव इस आईपीएल में नजर आएंगे। जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा कब कितने खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं। 31 जुलाई के आसपास मीटिंग रखी है बीसीसीआई ने, उस मीटिंग में सब कुछ डिसाइड किया जाएगा कि कब कितने खिलाड़ियों को रिटेन करना है। पर्स को 120 करोड़ किए जाने की बात चल रही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि केएल राहुल आरसीबी और ऋषभ पंत सीएसके, क्या लगता है आपको हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।